हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कब पूरा होगा और कब आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे गेन कर सकते हैं उन्हें गूगल एड्स की सहायता से, उसमें स्किप वाली एड लगाकर, मतलब स्किपेबल एड लगाकर और उसका कैंपेन लगाकर आप कैसे अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइबर गेन होंगे आपके चैनल पे तो उससे आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा और जो ये सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्किप वाली ऐड का जो कैंपेन है वो कॉस्टली होता है, तो हम इसे कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपका जो ये स्किपेबल वाला ऐड कैंपेन है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको डिस्कवरी ऐड वाले कैंपेन से भी सस्ती पड़ेगी। तो उस ट्रिक को मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह की एड्स होती हैं, सारी डिटेल बता देता हूँ कैसे कैसे आपको एड कैंपेन लगाना है। तो मेनली आपको पता ही होगा कि गूगल एड्स के अंदर मेनली जो होती हैं हमारी, 3 तरह की हम ऐड लगा सकते हैं। पहली होती है डिस्कवरी ऐड, दूसरी होती है स्किपेबल ऐड और तीसरी होती है बम्पर ऐड। इसमें जो ये बम्पर ऐड होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे नहीं लगाते। जो पहली वाली है डिस्कवरी ऐड, ये ऐड हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम यूट्यूब के ऊपर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसमें नीचे जैसे ही हम सर्च करते हैं तो उसके नीचे एक ऐड शो होती है, उसे बोलते हैं हम डिस्कवरी ऐड। और अब बात आती है स्किपेबल एड्स की, जिसका हम यूज़ करके आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। स्किपेबल एड्स थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती हैं, ये 0.7 से स्टार्ट होती हैं, 0.7 पैसे से। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती हैं, पर इससे जो भी सब्सक्राइबर्स आपको मिलते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और उससे सब्सक्राइबर्स जैसे आपको मिलेंगे तो वो आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो आपकी वीडियोस को भी वॉच करेंगे और वो लाइफ टाइम के लिए होंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा, जो आपके चैनल में इंटरेस्ट होगा वही आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसलिए वो एक जेन्युइन सब्सक्राइबर होता है। तो फ्रेंड्स, स्किपेबल ऐड लगाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपके चैनल के ऊपर कम से कम 8 से 10 वीडियो होनी चाहिए ताकि कोई भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके आपके चैनल के ऊपर आए तो वहाँ से वो आपकी वीडियो को वॉच करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और सेकेंडली, आपके पास एक 30 से 40 सेकेंड का आपको वीडियो बनाना है जिसमें आपने आपको अपने चैनल के बारे में बताना है कि आप क्या प्रोवाइड कराते हैं या फिर क्या प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। आपका कुकिंग का चैनल है या फिर कोई गेमिंग चैनल है, जो भी चैनल है उसके बारे में आपको बताना है। और क्वालिटी कंटेंट की एक वीडियो बनानी है आपको, ये 30 से 40 सेकंड की, जिसमें कोई 5 सेकंड भी अगर इसे देखे तो वो मजबूर हो जाए आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है तो इस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गूगल एड्स के अपने अकाउंट में लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर लेना इसमें। अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल एड्स पे कैसे अकाउंट बनाते हैं तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली उसे सीख सकते हैं। तो ये इसका होम पेज है, यहाँ पे आपको ये न्यू कैंपेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गार्डियंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वीडियो जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे यहीं पे रहने देना है कस्टम वीडियो कैंपेन पे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कैंपेन का नाम हमसे पूछ रहा है तो हम इसका कोई भी नाम दे देंगे। पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, इस एड कैंपेन को बनाते समय आपको इसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखना, चाहे यूट्यूब, पेटीएम, सैमसंग, किसी भी तरह की कंपनी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे फर्स्ट एड कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है इसमें बिड स्ट्रेटजी। इसमें आपको मैक्सिमम सीपीवी ही रखना है। मैक्सिमम सीपीवी का मतलब है कॉस्ट पर व्यूज़। अगर हमारे वीडियो पे या हमारे एड पे व्यूज़ आएंगे, उसी के हम पैसे देंगे, ठीक है। और इसका कॉस्ट पर माइल्स होता है, इसको आपका ज़रूरत नहीं है, आपको सीपीवी पे ही रखना है, मैक्सिमम सीपीवी, ठीक है, यही सिलेक्ट रहने देना है इसमें। उसके बाद आपका आता है बजट और डेट्स। तो इसमें आप टोटल भी लगा सकते हैं कैंपेन का, या फिर आप कैंपेन टोटल पे क्लिक करके यहाँ से डेली बजट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी टोटल लगा देता हूँ, जैसे 5000। 5000 आपको मिनिमम रखना ही है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए इससे तो। या मैं आपको यहाँ पे 10000 लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं आपको सिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। 10000 लगा दिए, उसके बाद स्टार्ट डेट है यहाँ पे 10 सितंबर, आज है, ठीक है। तो इसमें एंड डेट मैं डालूँगा 10 से 20 तक मैंने कर दिया, ये मैंने डेट डाल दी यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्रेशंस जो हैं 6 बिलियन प्लस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, इस वाली विंडो को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ नेटवर्क्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको ये जो लास्ट वाला है वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन का, इसमें आपको इंडिया सेलेक्ट करनी है, इंडिया ही करनी है, ठीक है। 15 बिलियन हो गए, देख सकते हैं आप इम्प्रेशंस, लोकेशन इंडिया हो गई। लैंग्वेज आपको जो वीडियो आपकी जिस लैंग्वेज में आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद ऊपर कर देंगे, आप देख सकते हैं 3.9 बिलियन हो गए। अब इम्प्रेशन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। इन्वेंट्री टाइप आपको स्टैंडर्ड ही रहने देनी है, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे आएंगे एक्सक्लूडेड टाइप्स, इसमें आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को, बाकी ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद ये रिलेटेड वीडियो है, इसको नहीं छेड़ना, इसको बंद ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको कन्वर्सेशन है सबसे पहला, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको यूज़ द अकाउंट लेवल इंक्लूड इन कन्वर्सेशन सेटिंग्स, आपको यही रखना है यहाँ पे, इसको यही वाला रखना है। उसके बाद डिवाइस जो है वो आप यहाँ से अपना डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस। तो आपको यहाँ पे अपने स्पेसिफिक जो आपका डिवाइस है उसको टारगेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप जितना स्पेसिफिक करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीच पड़ेगी, उतनी नैरो आपकी ऑडियंस होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कंप्यूटर से हटा देता हूँ, तो इससे आपकी कॉस्ट में भी कमी आएगी, जो बिड होगी आपकी उसमें भी कमी आएगी। टीवी स्क्रीन भी हटा देता हूँ, टैबलेट्स भी हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर दिखानी है। उसके बाद इसमें अगला है फ्रिक्वेंसी कैपिंग, इसके अंदर आप देख सकते हैं कैप इम्प्रेशन फ्रिक्वेंसी है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, 2 पर डे, मतलब 2 इम्प्रेशन भेजेगा एक यूज़र को एक दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद कैप व्यू फ्रिक्वेंसी, व्यू फ्रिक्वेंसी भी 2 ही रखूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 300 मिलियन इम्प्रेशंस दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से इसे कट कर देंगे। उसके बाद एड शेड्यूल ऑल डे ही रखना है, यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट एड 1 कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद है डेमोग्राफिक्स, इस पर क्लिक करना है आपको, और इसमें आपको जितने भी अननोन्स हैं इन सबको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और आपकी ऑडियंस को और थोड़ा नैरो करते हैं, यहाँ से 65+ वालों को हटा दो, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, इन 3 ऑडियंस एज वालों को आप टारगेट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है ऑडियंस सेगमेंट्स, इस पे एनी रहने देना है। कीवर्ड्स आपको कोई डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो सब्सक्राइबर्स के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक्स भी एनी टॉपिक्स रहने देना है, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ये आपको मेन जो इसका काम है एड कैंपेन का, आपको सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पे आपको उन चैनल्स को टारगेट करना होगा जिस पे आप अपनी एड्स को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप उन बड़े बड़े चैनल्स को डालें जिनके लाखों मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्निकल योगी सर का चैनल है,
टेक्निकल योगी, ठीक है, यूट्यूब चैनल है ये, आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे आ गए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही मनोज दे सर का चैनल है एक, मनोज दे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इनको ऐड कर देना है, ठीक है। 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके। इस तरीके से आपको जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको अभी इतने ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मिलियन इसके जो इम्प्रेशंस आ रहे हैं वो आपके 50K ही आ रहे हैं, तो आप इनको कोशिश करें ये मिलियन में जाएँ आपके इम्प्रेशंस। उसके लिए आपको ये प्लेसमेंट होगी यहाँ पे, मैंने आपको सिखा दिया, बड़े बड़े और भी काफ़ी सारे चैनल इसमें ऐड करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिडिंग डालनी है, तो मैं आपको यहाँ पे 0.70 से इसकी स्टार्ट होती है, तो मैं वही लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। तो इसमें जो आपने भी 15 सेकंड की, 30 से 40 सेकंड की जो वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जैसे मैं अपनी एक वीडियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मेरी 30 से 40 सेकंड की है, तो यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया मैंने इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको स्किपेबल ऐड लगानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाई देगी, आप देख सकते हैं स्कीप ऐड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल यूआरएल देना है। अब ये यहाँ पे आपको वो यूआरएल डालना है जिस पे क्लिक करके बंदा आपके, मतलब आप उसे कहाँ भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल जो है मेरा, अपने चैनल का यूआरएल डालूँगा, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। डिस्प्ले यूआरएल में भी सेम यही डाल देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन लगाना है हमें, तो यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन लिखेंगे। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ गया, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो इस यूआरएल पे चला जाएगा, मतलब जो मेरा चैनल है इसके ऊपर भेज देगा वो उसे, ठीक है। और वो वहाँ से मेरी सारी चीज़ें चेक कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ भी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को ऐसी एज इट इज़ रहने देना है। आप देख सकते हैं मोबाइल पे ऐसी दिखाई देगी, कंप्यूटर पे ये ऐसी दिखाई देगी, ये आपकी सारी स्क्रीन्स हैं, टैब में ऐसी दिखाई देगी। तो सब तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे बोल रहा है ये बिडिंग लो है, ट्राई टू इंक्रीज योर बिडिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से 70 से 80 कर देंगे, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। वो बजट आप जितना रखोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिडिंग चेंज होगी, चाहे 0.70 लो या 0.80, 75 भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 70 75 कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, तो आप जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, प्रीव्यू ऐड ऑन यूट्यूब, आप इस पर क्लिक करके अपनी ऐड को देख सकते हैं रन करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, इसके बाद ये आपका पेंडिंग में चला जाएगा अप्रूवल के लिए, और विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपका अप्रूव हो जाएगी एड कैंपेन, और रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एवरेज सीपीवी इतना दिखा रहा है, पर इससे भी कम आएगा, उस ट्रिक को मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने ये सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से स्किपेबल ऐड का कैंपेन लगा सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में सिखा दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जिसकी हेल्प की सहायता से आपका जो ये ऐड कैंपेन की कॉस्ट है स्किप वाले की, वो आपको डिस्कवरी वाले ऐड कैंपेन से भी सस्ती पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो ऐड कैंपेन इसमें लगाना है वो आपको 15 तारीख के बाद लगाना है। 15 तारीख से पहले आपको इसमें ऐड कैंपेन नहीं लगाना, क्योंकि 15 तारीख से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी एड्स को रन करती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपना ऐड कैंपेन 16 17 18 के बाद ही लगाएं, मतलब 15 तारीख से ऊपर जो भी डेट हो उसमें लगाएं। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अपने कैंपेन को लंबा रखना है, मतलब 8 से 10 दिन का अगर आप रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें आपको अपनी बिडिंग जो है वो भी हाई रखनी है, जैसे मैंने इसमें 0.70 आपको सिखाई है कैंपेन में लगा के, तो आपको अपनी बिडिंग 1 रुपये के अराउंड रखनी है। आप ये टेंशन मत लें कि आपका बिडिंग हाई है तो आपका जो बजट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं होता। 1 रुपए बिडिंग रखने से आपकी जो एवरेज कॉस्ट इसकी जो आएगी वो काफ़ी लो आएगी, मतलब आपको 10 पैसे से भी कम में पड़ेगी ये। तो यही वो ट्रिक थी जो मैंने आपको बतानी थी, आपके साथ शेयर कर दी। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।